हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपके लिए मैं फिर से एक बहुत ही डिफरेंट चीज लेकर आई हूँ, यूनिक चीज लेकर आई हूँ जो मैंने स्टार्ट करी है वीडियोस बनाना आपके साथ में, आपसे पहेलियाँ पूछना, जिससे आप होंगे एंटरटेन, आपको मिलेगा कुछ लाइफ में पूरे दिन में कुछ बूस्टअप करने का तरीका अपने माइंड को और अपने माइंड को शार्प बनाने का। तो इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। आपको मेरा वीडियो कैसा लगेगा मैं लाइक और शेयर अभी नहीं बोलूंगी, आप तभी करेगा जब आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो एंड में कमेंट करना और मुझे बताना कि कैसा लगा, उसके बाद लाइक एंड शेयर करना, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ में इन पहेलियों का आंसर जो मुझे सबसे पहले देंगे जो स्टार्टिंग के 5 व्यूअर्स होंगे, उनसे मैं नेक्स्ट टाइम लाइव सेशन में जरूर कुछ और सेकंड सीरीज ओपन करूंगी। फेस टू फेस आपसे बात करके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, जिसका आप मुझे लाइव सेशन में आंसर देंगे, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको मेरे जवाब देने से पहले आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो देरी किस बात की, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वही बेल आइकन है उसको प्रेस करना कभी नहीं भूलना, और लाइक एंड शेयर का वेट करूंगी, आप वीडियो मेरा एंड तक देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ पहला सवाल, डिवोर्स होने का रीजन क्या होता है? अब आप सोचिए और मुझे इसका आंसर दीजिए। आपको क्या लगता है कि डिवोर्स क्यों होते होंगे, इसका रीजन क्या हो सकता है? अगर आप हैं जीनियस और आपको चाहिए उन 5 लिस्ट में आपका नाम कि मैं आपसे लाइव बात करूं, आपसे सेकंड सीरीज खेलूं आमने सामने और मुझे कमेंट करें आंसर, तो बहुत इंटरेस्टिंग अगर होने वाला है अगर आप मुझे इसका आंसर सबसे पहले देंगे। तो देरी किस बात की, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड्स मेरे आंसर देने से पहले आपको देना है इसका जवाब। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए। तो आपको मिला इसका जवाब, इसका जवाब है मैरिज। अगर शादी होगी तभी तो डिवोर्स होगा ना, तो हुआ ना कितना आसान सा जवाब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक हाथी अगर पुल में गिर जाए तो वो बाहर कैसे आएगा? जल्दी से सोचिए, बहुत ही आसान जवाब है इसका, बहुत आसान आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ताकि हम लाइव सेशन में मिल सके। तो देरी मत कीजिए, आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकंड्स, जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो सोचा आपने इसका आंसर, इसका आंसर है गीला होकर यानी भीग कर, जब वो पुल में गिर जाएगा तो बट ऑब्वियसली वो भीग कर ही तो बाहर निकलेगा ना। अब आती है तीसरी पहेली जो बहुत ही आसान है, चींटी के 2 आगे चींटी, चींटी के 2 पीछे चींटी। ये तो हम बहुत ज्यादा पूछते थे स्कूल टाइम में आपस में एक दूसरे से, तो प्लीज जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड्स मेरे आंसर देने से पहले देना है आपको इसका आंसर। तो सोचा आपने इसका आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, 3 चींटी, एक चींटी के आगे 2 चींटी, उसके पीछे 2 चींटी, तो हुए ने 3 चींटी। इसका आंसर कितना ही आसान है। अब आते हैं चौथी पहेली पर, महाराणा प्रताप की मौत उनके कौन से युद्ध में हुई थी? जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई करी है तो देर मत लगाइए, जल्दी से आंसर दीजिए, आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकंड्स मेरे आंसर देने से पहले आपको देना है इसका जवाब। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप की जो मौत थी वो आखिरी युद्ध में हुई थी, क्योंकि आखिरी के बाद तो वो लड़ ही नहीं पाए थे ना। तो बस ये फनी क्वेश्चन भी है, फनी आंसर भी है और बहुत एंटरटेनिंग वाला है। मैं आपका कोई जीनियस या जीके नहीं ले रही हूँ, आपका कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ। हाँ, बट एक आपके साथ ही आप एंटरटेन भी हो और आपका IQ टेस्ट भी मतलब शार्प हो जाए, आप कुछ सोचे, ब्रॉड माइंडेड हो जाए, बस इस चीज के लिए। अब आपसे मैं पूछती हूँ आखिरी सवाल, ये सवाल में बहुत से मतलब 99% लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को जीनियस मानते हैं, और मैं भी मानती हूँ कि आप यानी मेरे व्यूअर्स कभी फेल नहीं हो सकते, तो इस सवाल का जवाब जल्दी से रेडी करेगा मेरे जवाब देने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं, सवाल क्या है, अगर एक आदमी को एक गड्ढा खोदने में 6 घंटे लगते हैं, तो आप मुझे बताइए उसको आधा गड्ढा खोदने में कितना समय लगेगा? तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए, आपको मिलते हैं 10 सेकंड्स, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, इसका जवाब है बहुत ही आसान, इसका जवाब है कि गड्ढा कभी आधा होता ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलती कि आपको 6 फुट आधा गड्ढा खोदना है, तो उसका 3 हो सकता था डिवाइड करके, लेकिन अगर आप कितना भी गड्ढा खोदेंगे, थोड़ा खोदेंगे ज्यादा खोदेंगे, वो कंप्लीट होता है, आधा कभी हो ही नहीं सकता, तो इट मींस वो खुदेगा ही नहीं। तो हुआ ना कितना ही आसान जवाब, कितना ही शार्प माइंडेड वाला आपका IQ टेस्ट करने वाला क्वेश्चन। तो देरी किस बात की, आपको मेरे ये सारे सवाल और सारे जवाब इतने पसंद आ रहे हैं और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो लाइक तो ये ना, बहुत सारा लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें, ऐसे ही मैं आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियो लाती रहूंगी जो आपका माइंड भी शार्प बनाएगी, आपको एकदम से एंटरटेन भी करेंगी, आपके माइंड को रिलैक्स भी करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।